नेक्स्ट दिवाली छुट्टी के बाद सर ओहो तो आऊंगा आपके बहुत इवेंट डीजे के लिए। बहुत टाइम मिल गया। चलो बढ़िया है। स्टूडेंट बेटा 40 आ गए, 37 इतने ही आते हैं क्या? यस सर, हाँ 50-51 तो आते थे पहले, अप्रोक्सीमेटली 50 सर, आते हाफ हैं। सेंचुरी जाता था सर। ठीक है अपन 2-4 मिनट रुक जाते हैं फिर। गुड आफ्टरनून सर, आप सर आईडी फिक्स करने के लिए बोले थे बेटा, मैंने बोला तो है आज भी उस पे कोई दूसरी क्लास चल रही थी रेजोजोन 21 पे, तो ये तो कोई दूसरी आईडी, हाँ दूसरी आईडी उठाई है आज। गुड आफ्टरनून सर, आज तो छुट्टी रखनी थी ना। तो बेटा आज तो ऑफ रखना था बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर, आज तो ऑफ रखना था, ऑफ नहीं ये तो अभी लाइव क्लास 2। मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये वाली है जी, थ्री पे चले बेटा, स्टार्ट करें अपन। यस सर, 44 आ गए। चलो रिएक्शन तो अपन ने लिख लिए थे, यूजेस लिख लिए थे क्या बेटा क्लोरीन के अपन ने क्लास में? यूजेस ऑफ क्लोरीन, यस सर, आयोडीन तक हो गया। अच्छा आयोडीन तक हो गया था, चलो बढ़िया है। और HCl, HBr, HI ये भी हो गया सर। अच्छा उसके बाद में HF के बारे में, HF नहीं हुआ, HF हो गया था। HF के बारे में एक दो लाइनें लिख लो, HF के बारे। अब बेटा ये वाली रिएक्शन बची है जिनके कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि छोटी छोटी रिएक्शन है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो लिखो बेटा पहली HF के बारे में लिखो, हेडिंग डालो HF, हेडिंग लिखो बेटा HF, HF में लिखो पॉइंट नंबर 1, एक्वस HF इज कोरोसिव टू ग्लास। जो बेटा एक्वस HF होता है वो कोरोसिव नेचर होता है फॉर द ग्लास। एक्वस HF, एक्वस HF, एक्वस HF इज कोरोसिव टू ग्लास। अब बेटा ये बताओ अगर ग्लास के लिए कोरोसिव है तो भैया कैसे स्टोर करते होंगे बेटा बताओ? क्या वैक्स लाइन कोटिंग करा दे अपन? यस सर। ठीक है तो लिखो कॉमा स्टोर्ड इन वैक्स लाइन कोटिंग, स्टोर्ड इन वैक्स लाइन कोटेड कंटेनर, ऐसे लिख लो कोटेड कंटेनर। ठीक है एक्वस HF इज कोरोसिव टू ग्लास कॉमा स्टोर्ड इन वैक्स लाइन कोटेड कंटेनर। ठीक है उसके बाद में लिखो एक्शन ऑफ HF, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट है एक्वस HF इज कोरोसिव टू ग्लास कॉमा स्टोर्ड इन वैक्स लाइन कोटेड कंटेनर, ये बेटा पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 लिखे बेटा, एक्शन ऑफ HF ऑन सिलिका, एक्शन ऑफ HF ऑन सिलिका इज यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास, इज यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास। बेटा एचिंग जानते हो? हाँ एचिंग ऑफ ग्लास,
एचिंग बेटा आपने देखे होंगे कई बार, जैसे घर पे अपन ने विंडो लगवाते हैं तो उसमें देखा होगा आपने शीशे पे कुछ ड्राइंग होती है, या जैसे रेजोनेंस के गेट देख लो, है तो शीशे का गेट लेकिन उस पे रेजोनेंस लिखा हुआ रहता है, ऐसे देखे बेटा आप लोगों ने? Yes, तो वो कैसे होते हैं? बेसिकली ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर जो भी आपको नाम लिखना है ठीक है, उसका स्टेंसिल टाइप का होता है वो रख दो और उसके ऊपर एचएफ डाल दो, तो बेटा वहां का ग्लास जो होता है वो एच हो जाता है, मतलब क्या होता है कि वहां का ग्लास थोड़ा सा गायब हो जाता है ठीक है, तो हाँ उसमें एचएफ घुस जाता है ठीक है, एचएफ क्या करता है ग्लास को एच कर देता है, तो जो आपको नाम लिख रहा था जैसे रेजोनेंस लिखना है तो वहां पे वो रेजोनेंस लिखा हुआ नजर आएगा आप ठीक है, इस टाइप का। हाँ बेटा तो लिख लो NaSiO2SiO3, या आपको सिलिकेट्स बेटा कहाँ मिलेंगे? आपने को पता है ग्लास में सिलिकेट्स होते हैं बेटा, हो सकता है कैल्शियम सिलिकेट्स हो CaSiO3, या हो सकता है सिलिका की फॉर्म में हो SiO2 की फॉर्म में, प्लस HF लोगे तो बेटा बताओ क्या रिएक्शन होगी, बताओ। अब आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, क्या कि सर देखो फ्लोरीन ऑलरेडी -1 में है, तो फ्लोरीन कुछ करने से बचा कुछ कर ही नहीं पाएगा, सिलिकन ऑलरेडी +4 में है, सिलिकन ऑलरेडी +4 में है, तो इनका भी कुछ नहीं होना, केवल आपको यह समझ में आता कि आयन एक्सचेंज के अलावा और कुछ बचा ही नहीं बेटा अपने पास, बताओ। तो अपन क्या कराते बेटा, ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन जाएगा Na2SiF6 +4 में रहेगा, तो कितने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे 3 ऑक्सीजन हटाने के लिए, बताओ बेटा 6 ठीक है, 3 ऑक्सीजन हटाने के लिए 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, अगर आपने ये लिया हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ CaSiF6 ठीक है, और अगर आपने SiO2 लिया हुआ तो बेटा बताओ क्या बनेगा, बोलो SiF4 शाबाश, और बेटा इधर से बचा होएगा हाइड्रोजन और इधर से क्या निकली है ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बना देंगे पानी ठीक है, तो ये होता है आपका एचिंग वाला ठीक है, लिख लो इसे एक बार, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट ये है एक्वस एचएफ इज, पहला पॉइंट ये एक्वस एचएफ इज कोरोसिव टू ग्लास कॉमा स्टोर्ड इन वैक्स लाइन कोटेड कंटेनर, दूसरा क्या है एक्शन ऑफ एचएफ ऑन सिलिका इज यूज्ड फॉर एचिंग ग्लास, एक्शन ऑफ एचएफ ऑन सिलिका इज यूज्ड फॉर एचिंग ग्लास, आपको जो भी ड्राइंग बनानी है जो भी आपको नाम लिखना है उसका स्टेंसिल पुट कर दीजिए, उसमें एचएफ डाल दीजिए, बाकी जगह पे तो एचएफ गिरा नहीं है तो वहां ग्लास ही रहेगा, और बाकी जगह पे जहां एचएफ गिरा है तो ग्लास थोड़ा थोड़ा हट जाएगा और आपका नाम बन के आ जाएगा वहां पे, और उसके बाद में ये रिएक्शन है बेटा ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एचएफ, राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एचएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एचएफ, पॉइंट नंबर 1 कलरलेस कॉमा कोरोसिव लिक्विड, पॉइंट नंबर 1 कलरलेस कॉमा, कलरलेस कॉमा कोरो सेव लिक्विड, बेटा बॉइलिंग पॉइंट एचएफ का कम होएगा या ज्यादा, बताओ ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शाबाश, लिखो कलरलेस कॉमा कोरोसिव लिक्विड कॉमा हाई वेल्ट हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एच बॉन्डिंग कॉमा हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एच बॉन्डिंग, कलरलेस कॉमा कोरोसिव लिक्विड कॉमा हाई बॉइलिंग पॉइंट कॉमा हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एच बॉन्डिंग ठीक है, लिखो भैया दूसरा लिखो, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, अपने को बेटा पता है HF कैसा है बेटा एसिड है, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, बेटा कौन कौन से बनेंगे बताओ, एक तो ये है KOH और HF की रिएक्शन करा दो,
ठीक है, अभी लिखना नहीं इसको। तो बेटा बताओ, ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ? साल्ट प्लस वाटर। KF मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे NaCl, मतलब जैसे आपने NaOH प्लस HCl लिया होता तो NaCl मिल जाता है, तो ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा? KF प्लस पानी, ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड का नाम लिखूंगा जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अगर KF का मतलब क्या है बेटा? F माइनस, ठीक है। और इधर क्या है बेटा? अगर HF हमारे पास एक्सेस में हो तो हमारे पास HF बचा हुआ रह जाएगा। अगर HF बचा हुआ रह गया तो क्या आपको ये समझ में आता है? इधर HF ऐसा, इसके ऊपर सफिशियंट डेल पॉजिटिव है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर साक्षात F माइनस आ गया। तो बेटा बताओ, क्या इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी क्या? बताओ। ये वाला एग्जांपल आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, कौन सा बेटा? KHF2, जिसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग हो जाती है 170 किलो जूल पर मोल के आसपास। याद आया क्या बेटा? हाँ, कुछ बच्चों ने इसमें चैट में लिखा है, यशवंत जी ने लिखा है चैट में, ये वही है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ये H बॉन्डिंग हो जाएगी, और H बॉन्डिंग बहुत ही शानदार वाली होती है, ठीक है। चलो तो लिख लो, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन। कौन कौन से बेटा? एक तो KF, और दूसरा वाला कौन सा बेटा? KHF2, ठीक है। इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, और ये क्या है बेटा? K+ और F- डॉट 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 H और F, ये है, ठीक है। कोई पूछे ये क्या है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन, KF और KHF2, ठीक है। अगला लिखो बेटा। बेटा क्लोरो फ्लोरो कार्बन का नाम सुना है आपने? क्लोरो फ्लोरो कार्बन सुना होगा, वो ओजोन डिप्लीशन में फलाना ढिमकाना दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो लिखो, हाँ, कैसे बनता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन? लिखो बेटा, HF प्लस CCl4, HF प्लस CCl4 क्या देगा बेटा? ये देगा फ्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFCs, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रियॉन्स। ये क्या बेटा? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। आप लोग पूरा नाम लिखना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो CF2Cl। हाँ वही है बेटा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन और फ्रियॉन्स, ठीक है। लिख लिया बच्चों इतना? प्रीवियस पेज बेटा क्या लिखवाया था ये बता दो, मैं बोल दूंगा क्योंकि इसमें प्रीवियस पेज है नहीं बेटा। सर रिएक्शन, कौन सी वाली? रिएक्शन के नीचे जो KHF2 KH, अरे वो तो मैंने ये बताया था कि जैसे आपने ले रखा है HF और मैंने लिया है KOH, तो आपको समझ में आता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? KF। KF का मतलब क्या है? F माइनस, और इधर है HF, तो भैया क्या ये वाला सीन बन जाएगा? और ये वाली H बॉन्डिंग बढ़िया होती है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड है बेटा ये वाला, ठीक है। बस ये बताया था, तो एक HF टाइप का मिलता है, मतलब KF सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा KF बना होएगा और वो KF इसके साथ कंबाइन करके KHF2 टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के सॉल्ट हैं, और बाकी ये वाली रिएक्शन है कि HF को CCl4 से रिएक्ट करा दो तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन या फिर फ्रियॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बेटा, CLO2। CLO2 लिखवा दी क्या बेटा हेडिंग? हाँ लिखो बेटा, CLO2 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 कैसा बनता है बेटा बताओ? ट्रिंग और ट्रिंग, और ये रहा ये,
ठीक है, क्या इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है? यस सर। सर ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे आपने सुना होगा एनओ के पास होता है, एनओ टू के पास होता है, तो वो किस स्पीशीज क्या करते हैं? डाइमराइज कर जाते हैं, लेकिन सीएलओ टू जो है वो डाइमराइज नहीं करता, क्योंकि जो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज हो जाता है, इसी से अपनी स्टेबिलिटी वो अचीव करता है। तो बेटा इतना स्ट्रक्चर बना लें और लिख लें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, और उसके बाद में एक लाइन में बोल रहा हूं उसको भी आप नोट्स में ऐड कर लें। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन, मैं लिख देता हूं बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय द, बेटा क्या क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं? बोलो बेटा। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन के पास थर्ड पीरियड का है वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होंगे ही होंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन द क्लोरीन गेट स्टेबलाइज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अच्छा, नाइट्रोजन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल थे ही नहीं, इसीलिए वो उसको डाइमराइज करना पड़ता था, लेकिन इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये क्या करता है वेकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर जाता है, इसीलिए ये डाइमराइज नहीं करता। ठीक है, अगली रिएक्शन लिखो बेटा, प्रिपरेशन लिखो बेटा, पॉइंट नंबर वन। NaClO3 प्रिपरेशन में लिखे बेटा कैसे बनेगी, NaClO3 प्लस SO2 प्लस H2SO4, ठीक है, ये आपको देगी क्या बेटा ClO2 प्लस NaHSO4। ध्यान रखें इन रिएक्शंस के कोई टोटके नहीं है, तो इन द एंड अपने को याद करनी पड़ेगी NaClO3 प्लस SO2 प्लस H2SO4 क्या देगा बेटा ClO2 और NaHSO4। एक और रिएक्शन है इसी की के ClO3 ले लीजिए आप ऑक्सैलिक एसिड ले लीजिए H2C2O4, तो भैया अपने को यही मिल जाएगा ClO2, यू आर गोइंग टू गेट ClO2 प्लस ClO2 प्लस CO2 प्लस CO2 ClO2 प्लस CO2, ठीक है, ये है इसके प्रिपरेशन मेथड्स। बेटा याद करो क्या मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद आया क्या बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहली क्लास में लिखवाया होगा, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस तो अपन पहले ही लिख चुके हैं, ये तो प्रिपरेशन वाली थी। प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा, पॉइंट नंबर वन प्रॉपर्टीज में लिखो, पॉइंट नंबर कार्बन कहाँ गया, कार्बन CO2 में गया बेटा, अभी बोला ना मैंने प्लस CO2, ठीक है, चलो पोटेशियम कहाँ गया सर, अरे भैया पोटेशियम का भी प्रोडक्ट बन रहा होगा यार, ऐसे थोड़ा ना होता है सब कहीं चले गए, ठीक है, चलो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, येलो गैस कॉमा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, येलो गैस कॉमा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, येलो गैस कॉमा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, येलो गैस कॉमा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कॉमा
वेटर ब्लीचिंग एजेंट वेटर ब्लीचिंग एजेंट देन सीएल टू कॉमा 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 वेटर ब्लीचिंग एजेंट देन सीएल टू. और बेटा इसकी रिएक्शन तो मैंने आपको लिखवा दी है ऑलरेडी. ये वाली याद करो बेटा, ये वाली रिएक्शन लिखवाई है CLO2 प्लस ओजोन. अरे लिखवाई है ना बेटा ये. हाँ अरे बेटा ये सुनो, लिखवाया है ना तो मैंने वाली भी रिएक्शन लिखवा दी होंगी इसके साथ. जब CLO2 को अपन NaOH से ले रहे थे वाली रिएक्शन मैंने लिखवा रखी है. ठीक है चलो ये चीजें तो हो रखी हैं. अगर अपन ऐसे ही इसके साथ ले बेटा बताओ CLO2, ये वाली भी रिएक्शन लिखवाई होगी CLO2 प्लस H2O2, तो बेटा बताओ क्या मिलेगा. ये वाली रिएक्शन लिखवाई है ना, या आप I माइनस ले लो तो बेसिकली क्या मिलेगा बेटा I माइनस और CLO2. बेटा बताओ I माइनस तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो कहां चली जाती है बेटा बताओ, I2 में चली जाती है. याद आया क्या? Yes, sir. लिखवाया होगा ना I माइनस प्लस एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स I2. तो भैया ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपने क्या मिल जाएगा I2. ये बेटा कहाँ है माइनस वन में, ये दोनों काम कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो कहाँ चला जाएगा बेटा O2. ठीक है चलो चलो भैया आगे चलते हैं. बाकी रिएक्शन मैंने लिखवा दी है आपको. आगे Cl कितने में जाएगा? माइनस वन में जाएगा बेटा, क्लोरीन माइनस वन में चला जाएगा दोनों में. हाँ भैया माइनस वन में चला जाएगा. ठीक है अगली हेडिंग डालो बेटा Cl2O. पॉइंट नंबर वन, ये रिएक्शन पहले भी लिखा रखा हूं मैं आपको. हेडिंग डालो बेटा Cl2O. इसमें बेटा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये किसकी एनहाइड्राइड है, तो बेटा बताओ किसकी एनहाइड्राइड है ये, बोलो बच्चों. अरे भैया प्लस वन में है ना, तो प्लस वन का ऑक्सी एसिड बताओ कौन सा होता है बेटा बताओ. अरे HOCl भूल गए क्या? अरे HCl नहीं लालायक, HCl में तो माइनस वन में है. कैसी बातें कर रहे हो, प्लस वन में है ना, तो प्लस वन का ऑक्सी एसिड कौन है? HOCl. ठीक है तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भैया ये एनहाइड्राइड किसकी है, तो आंसर क्या है बेटा एनहाइड्राइड ऑफ HOCl. प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज में लिखो येलो ब्राउन गैस, येलो ब्राउन गैस, येलो ब्राउन गैस, येलो ब्राउन गैस. लिखो बेटा येलो ब्राउन गैस. बेटा इसके बॉन्ड एंगल बता सकते हो क्या मुझे Cl2O का? हाँ बेटा कोशिश करो. अगेन इस रिएक्शन का कोई टोटका नहीं है, अपने आप को देखनी पड़ेगी. ठीक है 104 डिग्री. हाँ बेटा 104. गलत जवाब. याद करो केमिकल बॉन्डिंग जब आपने पढ़ा होएगा तो आपको एक्सेप्शन के रूप में ये पाया जाता है. याद आया क्या? 111 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसका. याद आया क्या? नो सर नहीं आया, तभी तो गलती बताया. कोई बात नहीं बेटा मैंने याद दिला दिया आपको. ठीक है चलो आप नोट देख लेना. ये जो एंगल, अरे ये क्या हो गया, ये जो एंगल अल्फा है ये होता है लगभग 111 डिग्री के आसपास. और ऐसा क्यों होता है जबकि ऑक्सीजन कितना है बेटा बताओ,
ऑक्सीजन तो कहने के लिए sp3 है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट तो sp3 का आइडियल होता है। तो भैया ये 111 क्यों पहुंच गई, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि क्लोरीन जो है काफी बड़े बड़े साइज के होते हैं, इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट को भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि बेटा ये ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके आपस में रिपल्शन मार रहे होते तो ऐसे हाथ खुल जाते हैं इसके, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट को भी क्रॉस कर जाता है, और कितना हो जाता है 111 डिग्री हो जाता है। तो भैया लिख लो इसको, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अगली एडिंग डालो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, अगली एडिंग डालो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन की रिएक्शन एक लिखवाई थी मैंने, याद आई क्या? यस सर। कैसे बनाते थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। फिर वो अपन ने मैकेनिज्म देखा था ना कैसे क्या बन रही थी, और क्या मिल जाएगा आपको? CaOCl2, ठीक है। लिखो बेटा ये रिएक्शन लिख लो, ठीक है, प्लस पानी भी निकाल देना, एसिड बेस हुई थी ना उस टाइम पे, तो पानी भी निकाल देना, ठीक है। लिखो बेटा बाकी रिएक्शन तो अपन पहले ही लिख चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में लिखो, पेल येलो पाउडर, प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा, पेल येलो पाउडर कॉमा हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, पेल येलो पाउडर, प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा, पेल येलो पाउडर कॉमा स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। उसके बाद में बेटा अपन ने वो तो लिख ही लिए थे इसकी रिएक्शंस, एक और लिख लो पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर कन्वर्ट्स, बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ लिया आप लोगों ने, हेलो फॉर्म रिएक्शंस? नहीं सर। यस सर, पढ़ लिए होंगे यार, हेलो फॉर्म तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है। नो सर, नहीं पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर कन्वर्ट्स एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर कन्वर्ट्स एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर कन्वर्ट्स एसीटोन या फिर इथाइल एल्कोहल। बेटा हेलो फॉर्म तो क्लास 11th में ही पढ़ लेते हो, पीओसी में याद करो ना, हेलो फॉर्म टेस्ट पूछ, आयडो फॉर्म टेस्ट सुना था बेटा? सुना है। अरे ये गजब बंदा है, हर बात पे ना बोल देता है। अरे भैया आयडो आयोडो फॉर्म तो याद आया होगा, तो भैया वहाँ आयोडीन है इसलिए आयोडो फॉर्म, कल को क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोफॉर्म, बस। तो आपको जो टेस्ट आयोडो फॉर्म वाली रिएक्शन थी वो ये भी देंगी, तो वहां एसिटोन या इथाइल एल्कोहल क्या देते थे? आयोडो फॉर्म टेस्ट, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको? क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इस बार ब्लीचिंग पाउडर में क्या आयोडीन है क्या? नहीं, क्लोरीन है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेलो फॉर्म रिएक्शन। सर उसमें रिएजेंट था I2 और NaOH। भैया I2 बेस है, ओ सॉरी NaOH बेस है और I2, तो यहाँ पे भी तो कहानी यही चल रही है, Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये Cl2 है, वहां बनता था NaOI, यहाँ बनता है ब्लीचिंग पाउडर, बात तो वही है, ठीक है। ये रिएक्शन लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसीटोन स्लैश इथाइल एल्कोहल गिव्स क्लोरोफॉर्म। अरे भैया आप खुद ही सोचो ना यार, NaOH बेस का काम कर रहा है, ये भी बेस का काम कर रहा है, वहां I2 ले रहे हो, यहाँ Cl2 ले रहे हो, क्योंकि वो आयोडो फॉर्म था, ये कौन सा? क्लोरोफॉर्म है, बस बात खत्म, ठीक है। चलो इतना लिख लिया बच्चों, अगली एडिंग डालो HOF, अगली एडिंग डालो बच्चों
एच ओ एफ, ये एक एक दो दो लाइन के हैं बस बेटा। एच ओ एफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रिंग ट्रिंग और ट्रिंग, ये होती है आपकी एच ओ एफ। फ्लोरीन कितने में है बेटा बताओ? माइनस वन में, माइनस वन और इसको प्लस वन, और इधर बॉन्ड टूटेगा तो बेटा माइनस वन और प्लस वन। तो ऑक्सीजन कितने में आ गई बेटा? जीरो में, और हाइड्रोजन प्लस वन में। ठीक है, हाँ ये है आपका एच ओ एफ। ठीक है, कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या लगता है कि एच ओ सी एल में क्लोरीन प्लस वन में है तो एच ओ एफ में फ्लोरीन भी प्लस वन में होगा? अरे ना भैया। ठीक है, एफ कितने में है बेटा? माइनस वन लिखा हुआ है, और आप ऐसे ही देख लो, बॉन्ड तोड़ने तो सिखाए हैं ना बेटा आपको। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ठीक है सर, ये लीनियर थोड़ी होगा भैया? लीनियर ऑब्वियस ही बात नहीं होगा, इसके ऊपर दो लोन पेयर भी तो है, बेंट होएगा ऐसे करके। ठीक है, चलो इसके आगे लिख लो, नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल। अगली हेडिंग डालो एच ओ सी एल, अब ये एक एक लाइन के बचे हैं। अगली हेडिंग डालो बेटा एच ओ सी एल, इसमें क्लोरीन कितने में बेटा बताओ? प्लस वन में। नाम वगैरह तो जानते ही हो, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बेटा। फ्लोरीन के जो ये प्रतीक गुर्जर, प्रतीक गौरव जी जो पूछ रहे हैं, भैया फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड स्टेबल नहीं होते। ठीक है, आप खुद ही सोचो यार, यहाँ पे आप जो बॉन्ड बना रहे हो इनमें मजा नहीं आता इनको फ्लोरीन के। आपने देखे कभी एसिड, सुने आपने ऑक्सी एसिड फ्लोरीन के? केवल एक ही ये बन जाता है एच ओ एफ, बाकी तो और कोई बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि फ्लोरीन का वहां ऑक्टेट एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, केवल एक ही ऑक्सी एसिड पॉसिबल है, वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलो अगली लाइन लिखो बेटा एच ओ सी एल। पॉइंट नंबर वन वीक एसिड, पॉइंट नंबर वन वीक एसिड बेटा। क्या बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस और नो बताओ बेटा? अरे याद करो, ये क्लोरीन प्लस वन में है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है ना ये, याद करो। ठीक है, वो एन एस थ्री प्लस एन ए ओ सी एल करा देते थे तो एन टू बन जाता था, क्योंकि क्लोरीन प्लस वन में रिड्यूस होके कहां जाएगी बेटा बताओ? माइनस वन में। ठीक है, शाबाश। तो लिखो वीक एसिड कॉमा गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। गुड एसिड, ना जो वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड कॉमा गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, अगला पॉइंट लिखो बेटा, फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस ओनली, फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस ओनली, फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। बेटा ये वाली रिएक्शन खुद से लिखो, I2 टू प्लस कॉन्ग एच एन ओ थ्री, खुद से लिखो भैया। ये वाली रिएक्शन पहले भी लिखाई जा चुकी है, एच आई ओ थ्री। हाँ शाबाश, शाबाश बच्चो, आई माइनस एन एच आई ओ थ्री। एच सी एल ओ थ्री को हीट कर रहे हैं तो बताओ बेटा क्या निकलेगा? ठीक है, और आई ओ थ्री माइनस प्लस आई माइनस प्लस एच प्लस, तो बताओ बेटा क्या मिलेगा? ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन तो आपने बेटा कई बार करी हुई है। क्या मिलेगा? कॉन्ग एच एन ओ थ्री है, उसका रिड्यूस प्रोडक्ट एनओ टू, और इसका क्या मिल जाएगा बेटा? आयोडिक एसिड प्लस फाइव में। ठीक है, इसको जब तोड़ोगे तो भैया आपने को क्या मिलेगी? सी एल ओ टू प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ। ठीक है, अपने को भी पता है हीट दे रहे हो तो ये मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटता है? सी एल ओ टू प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ।
अब बेटा जरा नीचे वाली रिएक्शन पे आओ, इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा बताओ, बताओ बेटा I2. इस हाँ आई टू, अब ध्यान से सुने बिल्कुल, क्या आपको ये वाली रिएक्शन याद है, इसको लिखना नहीं, आई टू प्लस कॉन्क एन एच कॉन्क हॉट, याद आया क्या बेटा क्या बनता था बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेट करता था आई माइनस और आई ओ थ्री माइनस, क्या याद आया बच्चों, ठीक है शाबाश, तो जरा ये बताओ आई टू और कॉन्क एनएच ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा बेटा ये बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा क्या होता है, बोलो बच्चों, प्रोपोर्शनेशन। और बेटा बेसिक का उल्टा क्या होता है, एसिड। अब जरा एक चीज बताओ, क्या आपको याद है ब्लीचिंग पाउडर को जब एसिडिफाई करते थे तो बेटा क्या मिलता था बताओ, Cl2 क्लोरीन निकलती थी। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता था बेटा बताओ, Cl- OCl- यहाँ प्लस वन में यहाँ माइनस वन में और जा कहाँ रही है, जीरो में, जीरो में। तो भैया जरा ये बताओ कहीं ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, देखो ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, दिमाग में कैसे बिठा सकते हो, ये वाली रिएक्शन तो दिमाग में बैठी हुई है। तो जरा आप ये सोचो अगर मैं I2 को बेस देता हूं तो होता है डिस्प्रोपोर्शनेट, बेस का उल्टा होता है एसिड और डिस्प्रोपोर्शनेट का उल्टा होता है कम प्रोपोर्शनेट, तो भैया ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, I2 मिल जाएगा क्या, अरे बोलो बच्चों, अरे इधर I माइनस वन में है और इधर I प्लस फाइव में है, तो भैया यही कहानी तो है माइनस वन में और प्लस वन में, ये क्या हो रहा है एसिडिक मीडियम में कम प्रोपोर्शनेट, अरे बेटा यस और नो बोलो क्या हो रहा है ये, कम प्रोपोर्शनेट। तो ये भी तो एसिडिक मीडियम में क्या होगी, कम प्रोपोर्शनेट, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट, तो बेसिक का उल्टा क्या है एसिडिक, डिस्प्रोपोर्शनेट का उल्टा क्या है कम प्रोपोर्शनेट, तो भैया देखो कम प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्या, अरे भैया यस और नो, यस सर, ये याद करने का तरीका है, इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है, चलो लिख लो बेटा इसे, ठीक है। अगला लिखो बेटा KClO3, मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, ये भैया रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये कम प्रोपोर्शनेशन वाली, ठीक है, मिटा दो बेटा इसको। अगली एडिंग लिखो KClO3 प्लस ये MnO2 कैटलिस्ट और इसको हीट कर दिया, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, KCl प्लस O2, हाँ शाबाश। और अगर KClO3 को आप धीरे धीरे गर्म करो लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, हीट एट लोअर टेम्परेचर, तो बताओ बेटा क्या मिलेगा, ठीक है। और एक है ZnCLO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, कोशिश करो बेटा इनको तोड़ने की कोशिश करो, पहली वाली रिएक्शन तो बेटा सबको आसान है, मोल में भी लिखी हुई है क्या कि इसको जब MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लोगे तो भैया KCl प्लस 3y2O2, ठीक है, ये तो आपने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ी हुई रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसको देखो बेटा KClO3, इसको आप धीरे धीरे गर्म करोगे मध्यम आंच पे तो भैया क्या होएगा, ये बोलेगा यार मरना तो मेरे को वैसे ही है, तो आप धीरे धीरे मार रहे हो तो क्यों ना मैं अपने सपने पूरे कर लूं प्लस सेवन में जाने के, तो भैया ये लो कहां चला जाता है KCl4 में चला जाता है KClO4 में। अब आप खुद सोचो यार अगर क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा बताओ, प्लस फाइव से कहां गई है बेटा बताओ, प्लस फाइव से प्लस सेवन में गई है, तो अपने को समझ में आता है भैया अब रिडक्शन भी होएगा, अब
रिडक्शन भी होएगा, तो आप खुद सोचो पोटेशियम तो प्लस वन में ही रहेगा, ऑक्सीजन माइनस टू में है तो उससे नीचे नहीं जा सकती, तो बेटा बताओ रिडक्शन करने के लिए बचा कौन, केवल क्लोरीन ही बची क्या बेटा बताओ? अरे ये सुनो, ऑक्सीजन तो बेटा ऑलरेडी मिनिमम में है ना, तो ऑक्सीजन का फर्दर रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता, पोटेशियम तो प्लस वन में ही रहेगा, तो क्लोरीन कहाँ जाएगी, माइनस वन में चली जाएगी, ठीक है? तो केसीएल, तो भैया ये बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया क्या, बोलो बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसको ऐसे याद रख लेना कि भैया किसी को धीरे धीरे गर्म कर रहे हो, वो कहेगा अच्छा मुझे तो मजा आ रहा है मरने में, ठीक है? तो भैया कहाँ जाओ, प्लस फाइव से प्लस सेवन भी ले जाओ, और फिर उसके बाद में अपने को समझ में आता है अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो भैया रिडक्शन भी होएगा, पोटेशियम का करा नहीं सकते, ऑक्सीजन ऑलरेडी माइनस टू में है, ठीक है? अगला बताओ बेटा इसका क्या होएगा, जिंक क्लोरेट का, हाँ तो अपने को पता है भैया जिंक तो प्लस टू में ही रहेगा, इसको हीट करोगे तो ये टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो जिंक तो प्लस टू में ही रहेगा, ZnO, और ये क्या बनेगा Cl2, और क्या बनेगा बेटा O2, ठीक है? ये आपकी ये वाली रिएक्शन है, लिख लो बेटा, तो अपन ने HOX देख लिया, ठीक है? अपन ने HXO3 देख लिया, HXO2 टाइप बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है? ये बेसिकली अपन रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, HXO3 टाइप, ठीक है? और अगली हेडिंग डालो बेटा HXO4, हेडिंग डालो बेटा HXO4, 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 इसके आगे लिखो बेटा मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, बेटा बताओ कभी फ्लोरीन एक्स हो सकता है क्या, बताओ बच्चों? अरे फ्लोरीन कैसे हो सकता है, ऑक्टेट एक्सपेंशन अलाउड ही नहीं बेटा, पोटेशियम किसी के ग्रुप वन वाले हैं ना बेटा, तो ग्रुप वन वाले किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएंगे हमेशा प्लस वन में ही रहते हैं, ग्रुप टू वाले किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे हमेशा प्लस टू में रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकते हैं बेटा, ठीक है? इनकी बेटा एनहाइड्राइड वगैरह आप जानते ही हो, Cl2O7 टाइप बनेगी, तो भैया दो चार रिएक्शन है, वो तो अपन लॉजिक वाली तो अपन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज एक लॉजिक की और रिएक्शन है बेटा, बताओ क्या होएगा, Cl3- का अगर अपन इलेक्ट्रोलिसिस करा दें बेटा, बताओ क्या होएगा, बोलो बेटा, अरे ये तो बताओ, ये तो आसान सा है बेटा, एनायन है, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे, एनोड, एनोड पे, और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, भैया प्लस फाइव में है, कहाँ जाएगा, प्लस सेवन में चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है? हाँ अब खुद ही सोचो ना यार, एनायन एनोड पे ही तो जाएगा, KClO4 is sparingly soluble, ठीक है? ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा सॉलिबिलिटी चार्ट, ठीक है? और अपन ने उसमें भी देखा था क्वालिटेटिव में, KClO4 is sparingly soluble, एक लाइन और लिख लो, MgClO4 का होल ट्वाइस, इसको यूज करते हैं बेटा ड्राइंग एजेंट की तरह, ठीक है? तो लिखो बेटा, is an effective drying agent, 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 is an effective dry agent, dry agent को बेटा desiccant भी बोलते हैं, D-I-S-I-C-A-N-T, desiccant, ठीक है?
ये बेटा क्या है, एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, सुखाने में काम करता है, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा एसिडिक करेक्टर मैंने आपको बता दिए होंगे, और अगर नहीं मैं बार बार डस्टर उठाने लगता हूँ मिटाने के लिए, ठीक है, इतना लिख लिया। एसिडिक स्ट्रेंथ वाले बेटा मैंने आपको पहले भी बताए होंगे, और अपने को उससे भी आप कर सकते हो अपने ऑर्गेनिक वाले कंसेप्ट से। तो जरा बताओ बेटा इनमें बेसिक वो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ बेटा किसकी ज्यादा है, ये दोनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऐसे एक ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, और इनमें तो भैया ऑर्गेनिक में पड़ा होएगा ना बेटा ओ सी एल माइनस, ठीक है, मतलब ओ माइनस सी एल, इधर क्या बनेगा ओ माइनस बी आर और O माइनस आई। अरे भैया अपने ऑर्गेनिक वाले कंसेप्ट लगाओ ना, जीओसी वाले लगा दो बेटा, तो ये वाले आ जाएगा। क्यों, देखो भैया डीलोकलाइजेशन तो सब जगह मिल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो सबके पास है। माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है बेटा बताओ, सीएल का, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एचओसीएल की, ठीक है, छाप लो बेटा। अरे ऑर्गेनिक वाले कंसेप्ट लगा लो यार, और कुछ सुनना है बेटा? क्या मैंने आपको कभी ये लाइन बोली है कि ग्रुप 17 में जो नीचे हैं, ग्रुप 17 में जो नीचे हैं उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रास आती है एज कंपेयर टू जो ऊपर हैं उनके रेस्पेक्ट में। नीचे वालों को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद है और ऊपर वालों को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद है, क्या ये बात कभी बोली है? बोली है, चलो बढ़िया है। आपको बेटा एक याद आ रहा होगा आईसीएल वाला केस, सर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 17 में कहां से आ गया भैया, ग्रुप 13 14 15 थोड़ा बहुत 17 में, ये वाली रिएक्शन याद आई क्या बेटा, आईसीएल प्लस कॉन्क एनएओएच और बॉइलिंग, ये वाली रिएक्शन लिखवाई थी बेटा मैंने आपको, अरे मैंने लिखवाई है यार, ठीक है। चलो क्या प्रोडक्ट बने थे बेटा इसके बताओ, आयोडीन माइनस वन, सॉरी क्लोरीन माइनस वन में, आयोडीन प्लस, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस आई इफेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, ये कितने में है, प्लस वन में, याद आया क्या? अब बेटा प्रोडक्ट बताओ क्या बनते थे, आई माइनस आईओ थ्री माइनस सीएल माइनस, हाँ शाबाश। क्यों, देखो इन्होंने बोला क्या कि भैया डिस्प्रोपोर्शनेट तो करना पड़ेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट तो करना पड़ेगा, तो अब ऑप्शन दो थे कि भैया क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट करे या आई डिस्प्रोपोर्शनेट करे, क्योंकि भैया यहाँ पे कौन कहने हुए थे ना बॉइलिंग, ठीक है। अब दिक्कत क्या आई, क्लोरीन को अपने को पता है और आयोडीन को अपने को पता है, जो नीचे वाले होते हैं उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पसंद आती है, तो क्लोरीन ने बोला देखो यार अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेट करूंगा तो मेरे को प्लस फाइव में जाना पड़ेगा, आयोडीन बोला अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेट करूंगा तो मेरे को प्लस फाइव में जाना पड़ेगा, तो भैया प्लस फाइव आयोडीन का और प्लस फाइव क्लोरीन का किसका ज्यादा स्टेबल है, तो भैया आयोडीन का, ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मिलता था। लिख लो इसे, ये वाली रिएक्शन पहले भी लिखाई है, कर लो। तो अगर अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी की बात करें तो बेटा बताओ किसकी ज्यादा आएगी, आयोडीन की या क्लोरीन की, बताओ बेटा, आयोडीन, आयोडीन की, शाबाश। क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में आप माइनस वन में तो जाओगे लेकिन आपको हायर में भी तो जाना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं एक्स ओ माइनस, तो भैया ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या देगा बेटा बताओ, क्या देगा ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके, X माइनस और एक्स ओ थ्री माइनस, आपको पता है इधर प्लस वन में है तो इधर माइनस वन में जाएगा और प्लस फाइव में जाएगा। कभी भी ध्यान रखना अपन ने अभी तक प्लस थ्री का ऑक्सी एसिड नहीं बनाया है, याद आया क्या, प्लस थ्री का ऑक्सी एसिड अपन ने डिस्प्रोपोर्शनेशन में बनाया अभी तक क्या कभी? नहीं सर, या तो प्लस वन में बनाया या प्लस फाइव में बनाया, प्लस थ्री में नहीं बनाया, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, पेन चेंज कर देता हूँ,
डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन। ठीक है, आपने लिखवाया था सर, ये लिखवा दिया है, चलो बढ़िया बात है भैया फिर तो। ठीक है, अगली है जो हेडिंग डालो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा हो बेटा, उसको ही तो बोलेंगे। जैसे ए बी टाइप, ए बी थ्री टाइप, बता रखा है सर, ये बता रखा है इंटर हेलोजन, यस सर। अच्छा, ये बता रखा होगा ए बड़ा साइज का और बी छोटे साइज का। ठीक है, चलो बढ़िया है फिर तो, अगर बता रखा है तो। एक दो बातें और कर लेते हैं यार अपन, ICl3 सॉलिड स्टेट में आपको पता है बेटा डाइमर बनाता है। हाँ, अरे भैया आपको पता है ना ICl3 सॉलिड स्टेट में डाइमर बनाता है, क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होएगा भैया। ठीक है, सॉलिड स्टेट में डाइमर बनाता है, किस फॉर्म में रहता है बेटा बताओ, I2Cl6 सॉलिड डाइमर की फॉर्म में है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, डाइमर ऑफ ICl3, ये क्या है, डाइमर है ICl3 का। बेटा कैसा बनता है ये याद आया क्या, पहले इसकी एक कार्बन टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं आता भैया, वो तब आता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यहाँ क्लोरीन के पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो फोर इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, ट्रिंग और ट्रिंग। ठीक है, आयोडीन के ऊपर दो लोन पेयर, इधर भी आयोडीन के ऊपर दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बोलो बेटा आयोडीन की, sp3d2, कौन सा केस है बेटा बताओ, चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, शेप कैसी होगी बेटा बताओ, स्क्वायर प्लेनर। अरे भैया हाँ या ना, ये तो पता होएगा। ठीक है, सेम कहानी इस वाले के साथ भी है। अब आप ये सोचो, ये इसके प्लेन में और ये वाले क्लोरीन इसके भी प्लेन में, बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर प्लेनर है ना, तो ये आयोडीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, सब एक प्लेन में है क्या बताओ, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये भी स्क्वायर प्लेनर है, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये आयोडीन, ये भी एक प्लेन में है, तो ये वाली क्लोरीन इनके प्लेन में भी है और ये वाली क्लोरीन इनके प्लेन में भी है, तो क्या पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? यस सर। लिख लो बेटा। यस सर। ऑल एट हेलोजन्स, कितने हेलोजन्स है बेटा, 6 क्लोरीन और 2 आयोडीन, ऑल 8 हेलोजन्स आर इन वन प्लेन। ऑल 8 हेलोजन्स आर इन वन प्लेन। ठीक है, और कोई क्लोरीन पूछे कितने एक प्लेन में, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6, क्योंकि क्लोरीन 6 ही तो है। ठीक है, और जो ICl3 लिक्विड होता है, अच्छा येलो में इसका कलर कैसा होता है, सॉरी सॉलिड स्टेट में इसका कलर होता है येलो। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में तो इसका कलर होता है येलो, और अगर आपने ICl3 लिक्विड लिया है तो बेटा ये टूट जाता है किसमें, ICl2+ और बेटा बोलो ICl4-। ठीक है, ये इस तरीके से टूट जाता है अगर लिक्विड स्टेट में लोगे, और गैसियस में नॉट वेरी स्टेबल, लिख लो बेटा ICl3 गैस नॉट वेरी स्टेबल, ICl3 गैस नॉट वेरी स्टेबल, और क्योंकि यहां पे आयंस आ गए हैं तो इसके पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, ICl3 गैस नॉट वेरी स्टेबल, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ICl3 गैस नॉट वेरी स्टेबल, ICl3 लिक्विड, आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा, ICl2+ और ICl4-। बेटा अगर आपसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो बता दोगे, यस और नो?
एडिशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको देख लेना, ठीक है? और एक तो ये वाला आता है, तो ये वाला तो मैंने बता ही दिया, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही है, ग्रुप 17 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 10-5 मिनट का और बचा है, उसके बाद अपन ग्रुप 18 वो भी एक लेक्चर में खत्म, और इस हफ्ते अपन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा? सरफेस केमिस्ट्री नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ऑर्गेनिक नहीं नहीं फिजिकल का ही टॉपिक है वो, उसको वी विल सी ना, उसमें केवल इनऑर्गेनिक की तरह रटना है, उसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, और इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वो दीपावली तक चलेगा, लंबा चैप्टर है काफी, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया है, ठीक है? होमवर्क में बेटा नोट्स रिवाइज करो, इसके रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बेटा बोल दिया है, एक बार मैं फिर से बोल दूंगा, और इस चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि इसका होमवर्क अगले लेक्चर में मिलने वाला है आपको, ठीक है? तो इसको अभी तक जितना पढ़ा है रट के रखो, ठीक है बेटो? टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।